नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूँ जो मुझे डेफिनेटली पता है आपको नहीं पता है, और ये टिप्स बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कंप्यूटर टिप्स तो बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं, पर ये जो वीडियो आज मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए जान लेते हैं वो टिप्स जो बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज जो ये मैं टिप्स बताने वाला हूँ, ये जो भी टिप्स बताने वाला हूँ ये डेली यूज के ऊपर ही बताने वाला हूँ। मतलब ये जो टिप्स है वो डेली यूज होते हैं और डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही यूजफुल है, तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो ये जो सबसे पहला वाला ट्रिक है वो बहुत ही यूजफुल है, तो यहाँ पे मैं ब्राउजर ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे ब्राउजर में आप देख सकते हो ये समझो इन्फॉर्मेशन है और आपके पास समझो नेट नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन पूरा आपको सेव करना है। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये पूरा जितने भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा है, और या तो दूसरा आप इसका पीडीएफ बना सकते हो। अभी वही मैं आज बताने वाला हूँ पीडीएफ। स्क्रीनशॉट तो आपको पता ही है, इस तरह स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगर नहीं पता तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उससे ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, पर आज मैं बताने वाला हूँ ये पूरा पेज का पीडीएफ कैसे बनाते हैं। तो चलिए, पीडीएफ बनाना बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको चले जाना है कीपैड में और यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल और पी दोनों साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंट वाला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लोड इन प्रीव्यू आ रहा है, तो इसे लोड होने दीजिए पूरा। और यहाँ पे जितने भी पेजेस है, मतलब यहाँ पे जो मैंने अभी स्लाइड दिया था वो 41 पेजेस है, तो यहाँ पे 41 पेजेस बता रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह आने वाला हो, तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो आपके पास इंटरनेट नहीं रहेगा फिर भी ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा और फिर आप पीडीएफ वो जीमेल पे, व्हाट्सएप पे, जिधर भी चाहो उधर भेज सकते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो। और बस फिर यहाँ पे सेव एज पीडीएफ, यहाँ पे आप देख सकते हो सेव एज पीडीएफ और पेजेस ऑल और लेआउट, मतलब पोर्ट्रेट में ऐसा चाहिए या लैंडस्केप मतलब ऐसा चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दोनों बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, लैंडस्केप में ऐसा आने वाला है और पोर्ट्रेट में ऐसा सीधा, तो जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। और फिर यहाँ से सेव, और फिर जहाँ पे भी लोकेशन, अभी समझो मुझे ये मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ फटाफट बताने के लिए। और यहाँ पे सेव, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और पीडीएफ भी बन गया है, तो इसे मैं ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो भी पीडीएफ है वही ओपन होने वाला है अभी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये फर्स्ट वाला टिप पसंद आया है। तो चलिए अभी मैं दूसरा स्टेप्स बता देता हूँ, स्टेप्स मतलब दूसरा टिप्स बता देता हूँ। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अभी जो मैं दूसरा टिप बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूजफुल है, और ये यूजफुल क्यों है वो मैं बता देता हूँ। अभी आपने फोल्डर तो बहुत ही बनाया है, मतलब फोल्डर मतलब बहुत ही ईजी है, यहाँ से न्यू में यहाँ से फोल्डर, और जो भी आपने फोल्डर बनाया वो यहाँ पे फोल्डर भी बन जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पर आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूजफुल इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना बिना नाम दिए भी फोल्डर बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और मैं वापस न्यू फोल्डर बनाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। नाम देना है Alt 0160, मतलब Alt+0160 और एंटर दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिना नाम का भी फोल्डर बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नाम ही नहीं दिया है। अभी इस फोल्डर को मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ से फिर प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कस्टमाइज और फिर यहाँ पे चेंज आइकॉन, और यहाँ पे जो मैं अभी आइकॉन बताने वाला हूँ वही आपको ले लेना है, यहाँ पे चले जाना है। और ये जो है ये तीन ये ब्लैंक आइकॉन है, तो इसमें से आप जो भी चाहिए वो ले सकते हो। तो समझो मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ से अप्लाई और उस पर। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोल्डर यहाँ पे है, बना हुआ है, मैं इसे ओपन भी कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। पर अब पता ही नहीं चल रहा है ये फोल्डर भी है, तो इस तरह आप फोल्डर भी बना सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो हिडन फोल्डर है, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे फोल्डर है या नहीं है, अगर आप माउस उससे ऊपर लेते जाओगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो दूसरा वाला टिप से मुझे उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया। तो चलिए अभी मैं थर्ड टिप्स बता देता हूँ। तो ये जो मैं थर्ड वाला टिप्स बता रहा हूँ उससे पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे थर्ड वाला टिप्स ब्राउजर से रिलेटेड है। तो समझो आप हमेशा यूट्यूब ओपन ही करते हो, मतलब जब भी पीसी या लैपटॉप ओपन करते हो तो यूट्यूब ओपन ही करते हो फर्स्ट,
तो आप यहाँ पे जो भी लिंक है वो कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे फिर डेस्कटॉप पे आ जाइए। डेस्कटॉप पे यहाँ पे न्यू और शॉर्टकट, और ये जो है ये जो मैं बता रहा हूँ उससे आप एक शॉर्टकट बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ यूट्यूब और यहाँ से फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जब भी आप पीसी या लैपटॉप ओपन कर रहे मतलब ऑन, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे डबल क्लिक करोगे सीधा यूट्यूब ओपन हो जाएगा, तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी इम्पोर्टेंस है मतलब फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, जो भी आप देना चाहते हो वो सीधा यहाँ से दे सकते हो और फिर सीधा ये ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल है, तो ये आप जरूर ट्राई दीजिए। तो अभी मैं ये शॉर्टकट बता ही रहा हूँ, तो एक बार मैं और शॉर्टकट बता देता हूँ। तो वो है यहाँ पे आप देख सकते हो, समझो मुझे फायरफॉक्स का शॉर्टकट देना है, तो इसे भी देना बहुत ही सिंपल है। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज में चले जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्टकट भी आ रहा है, तो इसमें चले जाना है और जो भी आप देना चाहते हो, तो समझो मैं देना चाहते हो कंट्रोल शिफ्ट 5 और यहाँ से अप्लाई और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है और फिर ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। और फ्रेंड्स अभी जो मैं दूसरा वाला टिप बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है, और ये यूज़फुल क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। तो समझो आपको अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना है, तो ये इम्प्रेस करना है तो आपको कुछ ऐसे टिप्स आने बहुत ज़रूरी है। जैसे उसने बोला टास्क मैनेजर ओपन करते बता, तो यहाँ पे टास्क मैनेजर से तीन है मतलब तीन सॉल्यूशन है, तीन सॉल्यूशन मतलब तीन स्टेप है, मतलब आप तीन वे से टास्क मैनेजर तक पहुँच सकते हो। तो फर्स्ट तो है विंडोज़ में, विंडोज़ में आप टास्क मैनेजर डालो और वहाँ पे पहुँच जाओ। दूसरा है कंट्रोल अल्ट डिलीट, तो यहाँ पे आप टास्क मैनेजर में पहुँच जाओगे। और जो थर्ड है वो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही आसान है, वो है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा आप टास्क मैनेजर में पहुँच जाओगे। तो अगर आपको ये तीन टिप्स नहीं पता था तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर पता है तो बताइए मुझे कौन सा वाला टिप्स आपको पता है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी मैंने टिप्स बताए, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। और ये अगर आपको सब टिप्स पता था तो आप नीचे कमेंट दीजिए, और नहीं पता था तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए और शेयर दीजिए। थैंक यू सो मच।